ये अखिलेश यादव का फेसबुक पोस्ट है और ये प्रियंका गांधी का फेसबुक पोस्ट है। दोनों ने एक अखबार की कटिंग को अपने पेज पर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि यूपी के मिर्जापुर में एक 62 साल के बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिवार के लोगों ने 8 किलोमीटर तक बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की एक अधूरी कोशिश है? क्या सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी टीम से इसकी पड़ताल करवाई, या प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पे हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी और यही कारण है कि बिना जांच पड़ताल के ही इस खबर को योगी सरकार की नाकामी से जोड़कर पोस्ट कर दिया। लेकिन हमारा काम है आपको पक्की और सच्ची खबरें देना, जिसके लिए हर महीने 3 करोड़ दर्शक ग्लोबल भारत की खबरों को देखता है। तो हम आपको ले चलते हैं उसी गांव में जहां ये दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से चारपाई पे अस्पताल ले जाना पड़ा। अखबार की कटिंग में लिखा है, डोली खोटली बनाकर उपचार के लिए 8 किलोमीटर तक कंधे पर ले गए परिजन। लेकिन जब मिर्जापुर के लालगंज तहसील के SDM अमित शुक्ला वहां पहुंचे तो वहां कहानी कुछ और निकली। अब हमारे कैमरे पर वही आदमी खड़ा है जो आदमी इसी फोटो में चारपाई पर लेटा दिखाया गया है। नाम है सत्तू, उम्र है 45 से 50 के बीच। वो खुद बताता है कि वो ठीक, लेकिन कल बीमार था। हालांकि जब ये पूछा गया कि एम्बुलेंस को फोन किया गया था तो उसने बताया कि फोन नहीं किया था, परिवार को जानकारी नहीं थी, अब परिवार के पास फोन भी नहीं। आप खुद सुन लीजिए उसी व्यक्ति की बातें जो कल तक उसी चारपाई पर लेटा है, जिस चारपाई को दिखाकर अखिलेश और प्रियंका ने योगी पर हमला बोल दिया। वो व्यक्ति खुद दावा करेगा कि कैसे परिवार की एक गलती से सरकार को बदनाम करने का मौका विपक्ष को मिल गया। लेकिन मिर्जापुर के लालगंज तहसील में तैनात तेज तर्रार SDM अमित शुक्ला ने बिना वक्त गवाए गांव में पहुंचकर सारी खबरों से बेनकाब को उतार दिया। आप अब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ। अच्छा, ठीक है। आप 102 पे फोन किए थे? नहीं सर। अच्छा, अब आज के बाद जो है अगर कोई भी दिक्कत होगी तो 102 पे 108 पे कॉल करिएगा, ठीक? और अपने नजदीकी आशा से बात कर लीजिएगा, ठीक? ठीक सर, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो फिर या फिर हलिया या 102 पे आप 108 पे आप कॉल करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, ठीक? घटना शुक्रवार की है, परिवार के पास फोन नहीं है, उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, राहगीरों ने भी उनकी मदद नहीं की, ना तो समाज आगे आया और ना ही परिवार प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा पाया। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे अखबारों ने बिना खबर की सत्यता देखे ही इसे छाप दिया। परिवार का बयान लिए बिना ही ये खबर छप गई, जिसके बाद प्रदेश में भूचाल आ गया। जबकि परिवार का कहना है एम्बुलेंस का नंबर नहीं पता है या फिर फोन न होने के कारण घटना सामने आई, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नाकामी की तरह दिखाने लगा। जय हो अखिलेश यादव की और प्रियंका गांधी की, जो चाहती हैं कि सरकार को हटाने के लिए किसी भी झूठी खबरों का सहारा लेना पड़े तो अपनी ढाल बना लेंगे। अखिलेश यादव या किसी भी नेता को वायरल न्यूज को प्रमाणित किए बिना शेयर नहीं किया जाना चाहिए। हमें उसी बीमार व्यक्ति की बहू मिली तो हमने पूछ लिया कि आपने फोन किया था एम्बुलेंस को, अगर नहीं किया तो फिर खबरों में क्या दम है? यानी अखिलेश यादव को भी सुन लेना चाहिए कि आखिर ये महिला कैमरे पर क्या बोल रही है। आप सत्तू मूसा जी की क्या लगती हैं? उनका बहू लगते हैं। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है। कहाँ है? समय तो अपने दीदी के यहाँ गहन घूमा कर रहे हैं। अच्छा, कल 11 तारीख को क्या हुआ था? उनके दुई से उल्टी भवा है और जौन पतिल टट्टी होता रहा। फिर कहाँ ले गए थे उनको? गुप्ता डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। अच्छा, आराम है अभी? आराम है, सब मजे में। अच्छा, क्या एम्बुलेंस है? आप लोग फोन की थे एम्बुलेंस को? पर नहीं, एम्बुलेंस नंबर ही नहीं जानते रहे, गरीब आदमी का जाने। फोन है आपके पास? फोन नहीं है सर। अच्छा, किसी आशा ANM या किसी को बताया गया? प्रधान को बताया, लेखपाल को बताया, किसी को? नहीं, हम पास जैसे भवा ताव पर वैसे भेज दिया की ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक। अगली बार जब भी होगा तो किसी को आप एम्बुलेंस को बताएंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो अपनी आशा या ANM बहन जी को बताएंगे तुरंत में, ठीक? योगी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसके लिए पूरा एजेंडा यूपी में चल रहा है।
खबर पक्की है या कच्ची देखे बिना ही अगर उसे अपने प्रोपेगेंडा में शामिल किया जाएगा तो फिर आप उम्मीद करिए हमारे नेता फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं, जिसमें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का नाम फिलहाल आपके सामने। मिर्जापुर से मुकेश पांडे, ग्लोबल भारत टीवी।